हेलो एवरीवन, ईट यम्मीशियस पर आपका स्वागत है। आज हम एकदम हलवाइयों जैसी मार्केट में मिलने वाली परफेक्ट खस्ता बालूशाही बनाएंगे, जो कि फेस्टिवल सीजन में बहुत मिलती है और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनाएंगे। साथ ही में ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है, कुछ टिप्स भी है आपके लिए, जिससे कि आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। और प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि रिफाइंड फ्लावर लिया है। ग्राम्स में हमें मैदा और घी को लेना है, क्योंकि यहाँ अगर हम कप का या किसी और दूसरे मेजरमेंट का यूज करेंगे तो बालूशाही में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 250 ग्राम हमें मैदा लेना है, जिसमें हम डाल देंगे लगभग 1/4 टीस्पून नमक। नमक डालने से बालूशाही में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बट अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून का आधा, यानी कि 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम नॉर्मली खाने वाला सोडा कहते हैं। याद रखिएगा कि सोडा की जो अमाउंट है इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1/8 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून का आधा इसमें मिलाना है हमें 250 ग्राम मैदा में। तो अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लिया है मैंने। अब बालूशाही में मोयन के लिए हम डालेंगे 90 ग्राम यानी कि 90 ग्राम देसी घी, और फिर इस घी को और मैदा को हम अच्छे से हाथों से मसल मसल कर मिला लेंगे। तो ये याद रखिएगा कि आप घी की जगह पर तेल का यूज कर सकते हो, बट तेल से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना कि देसी घी से आएगा। या देसी घी की जगह पर आप डालडा वनस्पति घी का यूज कर सकते हो, और घी की अमाउंट इतनी ही होनी चाहिए, ना तो इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है, और अब हम इसे इस तरह से भी रब कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून दही, एकदम गाढ़ा दही है। दही डालने से जो बालूशाही है इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और अक्सर जो मार्केट में फेस्टिवल के टाइम पर जो बालूशाही मिलती है वो इसी तरह से तैयार की जाती है, जिससे कि उनका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि हम कभी उसके टेस्ट को भुला ही नहीं पाते। तो 2 टेबलस्पून दही मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, और हमें बस इसे इस तरह से हल्के हाथों से कलेक्ट करते जाना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिलाया है, जो कि कम या ज़्यादा हो सकता है। और थोड़ी ही देर में जब ये इस तरह से डो की तरह इकट्ठा हो जाए, हम इसे रख देंगे रेस्ट पर, क्योंकि हमें इसकी गुंदाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसे हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इतने में हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 300 ग्राम चीनी ली है, जिसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। इसमें हम एक उबाल आने देंगे तब तक जब तक कि इसमें चीनी भी घुल जाएगी अच्छे से। तो इसे हम गर्म होने देंगे। ये चाशनी अब गर्म हो चुकी है और जो चीनी है इसमें वो अच्छे से पिघल चुकी है। तो अब हम इस चाशनी को क्लियर करने के लिए और इसे क्रिस्टलाइज होने के लिए बचाने के लिए, यानी कि इसे जमने से रोकने के लिए, इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून की हाफ अमाउंट में, यानी कि 1/8 टीस्पून ये सिट्रिक एसिड, जिसे कि टार्टरिक भी कहा जाता है, और ये नींबू का सत होता है, जिससे कि चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है बाद में जब बालूशाही ठंडी हो जाती है तब। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसमें आधे से थोड़ा सा ज्यादा नींबू का रस निचोड़ कर डाल सकते हो इसमें। इससे दो काम होंगे, एक तो चाशनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी और ये क्रिस्टलाइज भी नहीं होगी। अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डाल देंगे 8-10 हरी इलायची, इस तरह से खोल कर डालेंगे। साथ ही में ये मेरे पास व्हाइट रोज एसेंस है, जिससे कि बालूशाही में बहुत अलग सा और टेस्टी सा फ्लेवर आता है। तो बाजार में जो बालूशाही होती है उसमें ये फ्लेवर नहीं होता है, बट मुझे पसंद है इसमें रोज का फ्लेवर, इसलिए मैं इसे हमेशा डालती हूँ इसमें। बट अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी बालूशाही इस इलायची के फ्लेवर से बहुत ही डिलीशियस लगती है। साथ ही में इसमें मैं ये 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर मिला रही हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि बालूशाही के लिए हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। हमें बस इसे गुलाब जामुन से थोड़ा सा चिपचिपा रखना होता है। अगर हम चाशनी को ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर ये अंदर तक अच्छे से नहीं जाती है बालूशाही के, और बालूशाही अंदर से फीकी फीकी और सूखी निकलती है। तो बस इस तरह से हमें बस इसे चिपचिपा तैयार कर लेना है। बाकी जब ये ठंडी होती जाएगी तो ये और गाढ़ी होती जाएगी। तो चाशनी तैयार है बिल्कुल, तो इसे हम रख देंगे अब साइड में।
देखिए इतने में जो हमारा डो है ये भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो बस इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा मसल देंगे बिल्कुल सेकंड्स के लिए। तो ये देखिए अब ये तैयार है बालूशाही बनाने के लिए। इसकी छोटी छोटी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसका जो डो है ये भी सॉफ्ट ही होता है, ज्यादा सख्त नहीं होता है। तो आप छोटी या बड़ी साइज में बालूशाही तैयार कर सकते हो। तो पहले हल्के हाथों से इसे हम अपने हाथों में दबा देंगे और फिर इसकी एक रफली बॉल बनाकर इस तरह से अपने थंब से यानी कि अंगूठे से इसके बीच में एक होल कर देंगे। इस तरह से मैंने बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और इतनी देर में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। बालूशाही को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल गर्म करने के लिए हमें आंच को स्लो से थोड़ी सी ज्यादा और मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है, तो इसे हम गर्म होने देंगे। इसे हमें मीडियम हॉट करना है। तेल अच्छे से मीडियम हॉट हो चुका है तो इसमें हम इन बालूशाही को डाल देंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हो कि तेल बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं है, बट हल्के हल्के इस बालूशाही के आसपास बुलबुले उठे हैं, इतना ही गर्म तेल होना चाहिए। तो तेल में कुछ बालूशाही डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर तक इसी तरह से फ्राई होने देंगे। बिल्कुल भी इसे हमें चम्मच से चलाना या हिलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद इसे हम हल्के से चम्मच से पलट लेंगे और दोनों ही तरफ अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर आने तक इन्हें हम फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए अब ये बालूशाही दोनों ही साइड से अच्छे से सुनहरी कलर की हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हुई है ये। तो इन्हें अब हम इसमें से निकाल लेंगे तेल में से और सीधे हल्की गर्म चाशनी में इन्हें हम डाल देंगे। तो ये देखिए इन बालूशाही को मैंने तेल में से निकालकर हल्की गर्म चाशनी में डाल दिया है, जिसमें हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से डिप रहने देंगे ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छे से चली जाए और ये मीठी हो जाए। तो 5 मिनट तक इन्हें हम इस तरह से रहने देंगे और इतने में हम बाकी की बालूशाही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इन बालूशाही ने चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है, तो अब ये सर्व करने के लिए परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए हमारी एकदम मार्केट में मिलने वाली फेस्टिवल स्पेशल टेस्टी डिलीशियस बालूशाही बनकर तैयार है खाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से ये थोड़ी सी खस्ता होती है, अंदर से ये थोड़ी सी सॉफ्ट और जूसी होती है, जो कि इसे एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाली मिठाई बनाता है। आप इसे जरूर घर में बनाइए और ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से फॉलो करिए और हर बात को आप ध्यान से नोटिस करें। इसे बनाना में थोड़ी सी ट्रिक लगती है, बट एक बार आप इसे बनाओगे तो ये सभी को पसंद आएगी। बहुत ही अच्छा इसका टेस्टी डिलीशियस सा टेस्ट आता है। साथ ही इस तरह से बना लेने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में रख दीजिए। उसके बाद आप इसे रूम टेम्परेचर पर 4 से 5 दिनों तक और फ्रिज में आप इसे 10 से 15 दिनों तक के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। और ये मिठाई खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की टेस्टी टेस्टी और परफेक्ट रेसिपीज़ मिलती रहे। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हलवाई स्टाइल बालूशाही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट यम्मीशियस। देखिए ये बालूशाही एकदम परफेक्ट बनी है, अंदर तक ये मीठी हुई है, आप देख ही सकते हो कि बहुत अच्छी है अंदर से।